Hello students, I would like to welcome all of you to the second lecture of Pair of Linear Equation in Two Variables. So this is Vijay Gupta. Without wasting any time, let's get started. तो बच्चों याद है क्या लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था कि वो कंडीशंस क्या होते हैं जिसको यूज करके हम दो लीनियर इक्वेशन को बता सके कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं. तो हमने क्या देखा था, याद है क्या बच्चों, कि अगर लीनियर इक्वेशन जो होते हैं कौन से, उनका जनरल इक्वेशन कैसा होता है बच्चों, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. यहां पे एक केस याद है क्या बच्चों, हमने क्या बोला था, a1 a2 b1 b2 ये सब 0 नहीं हो सकते. इसी चीज को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a1 square plus b1 square not is equal to 0, ठीक है, a2 square plus b2 square not is equal to 0. ठीक है, ऐसा कंडीशन हो जाता है कि ये जीरो नहीं होने चाहिए. ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या. चलिए अभी देखिए आप, तो ऐसा अगर लीनियर इक्वेशन दे रखा है अपने को और हमने कंडीशन क्या देखा था कि अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not is equal to c1 upon c2 है तो क्या बोलते थे उसको, कितने सॉल्यूशन बोलते थे बोलो बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे. क्या यूनिक नहीं बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन. नो सेकेंड केस क्या देखा था हमने, सेकेंड केस क्या देखा था कि a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, इसको क्या बोलते थे हम लोग, infinitely many solution. ठीक है क्या. और थर्ड केस क्या देखा था हमने, थर्ड केस क्या देखा था, a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2 मतलब क्या होता था, unique solution. तो ये तो हमने केस देखा था कि अल्जेब्रिकली अगर चेक करना हुआ तो. ठीक है बच्चों, अल्जेब्रिकली अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं, याद है क्या. तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इसको, इरेज कर देता हूं, ये तो ऑलमोस्ट हमें याद हो ही गया है. चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच The system of equation for which the system of equation 4x plus 5y is equal to 0 and kx plus 10y is equal to 0 has infinitely many solution. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बताना है, k का वैल्यू बताओ जिसके लिए इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो. तो हमें एक चीज देख के लग रहा है क्या सर, कि a1 में ये तो है, c वाले टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म की जगह पे जीरो है, मतलब इसको हम लोग एक और नाम से पढ़े थे, क्या, होमोजीनियस. तो होमोजीनियस याद है क्या, उसके लिए कंडीशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था बच्चों, इनफाइनाइट के लिए कंडीशन देखो, कंडीशन पहले लिख दे रहा हूं मैं, कंडीशन क्या था, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. लेकिन यहां पे कोई सा भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये पार्ट लिखते ही नहीं है वहीं पर. ये ही कंडीशन हमें चेक करना है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. तो देखिए a1 कितना है, इसको मैंने पहला बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने दूसरा, तो a1 देखिए ये a1 है, ये b1 है, a1 क्या है, x के साथ कोएफिशिएंट, तो कितना है 4, b1 कितना है, a1 कितना, a2 कितना बच्चों, b1 कितना है 5 और b2 कितना है 10. तो देखिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 4 10 जा 40 इज इक्वल टू 5k, मतलब k इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 40 अपॉन 5 दैट इज इक्विवेलेंट टू 8. तो k का वैल्यू कितना मिल गया, 8. ये है ना इनफिनिटी सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है, बस आपको कंडीशन याद होनी चाहिए. ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों, इसको लिख लो आप, ये रहा अगर आपको अल्जेब्रिकली सॉल्व करना होगा. बहुत बार क्या होता है, ग्राफिकली भी इसको देखते हैं, ग्राफिकली देखते हैं इसका अंडरस्टैंडिंग. ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे हम, हेडिंग क्या डाल लेंगे, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली. ठीक है बच्चों, तीन चार मेथड है हमारे पास, बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राफिकली चेक करना है. तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे. तो उसके पहले सॉल्व करने के पहले बच्चों देखो कि
कि दो हमने से वही करेंगे, दो हमने इसके जनरल इक्वेशन मान लिए a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है, ये हमने मान लिए। देखिए बच्चों, इसका ग्राफ हमने 9th में बनाना सीखा था, या फिर स्टार्टिंग में भी हमने चैप्टर के देखा था कि इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसका एक क्या बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखिए तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि अगर हम दो लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो देखिए दो लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसा केस होगा कि मान के चलो एक L1 ऐसे जा रहा है, ये L1 ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक L2 ऐसे जा रहा हूं। ऐसे सोचना है बच्चों, दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, सपोज कोई बोलेगा सर ऐसे जा रहा है कैसे जा रहा है, बच्चे इसको एक्सटेंड तो करो, इसको एक्सटेंड करो इधर, इसको एक्सटेंड करो इधर, पता चला ये कट हो रहा है, कट हो रहा है ना बच्चों। तो वही केस में बोल रहा हूं कि दो लाइन क्या होगा, या तो एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, या फिर क्या हो सकता है बोलो जल्दी, ये हुआ अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या क्या हो सकता है, देखो एक लाइन चल रहा है ऐसे, ये हमारा L1 लाइन है, ठीक है, और एक लाइन चल रहा है सेम इसके पैरेलल L2, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, तो कभी कट होंगे क्या, कभी कट होंगे क्या बच्चों, नहीं होने वाले। तीसरा केस क्या बनता है, देखिए तीसरा केस क्या बनता है कि ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक लाइन था, ठीक है, एक लाइन था L1, इसी के ऊपर क्या क्या L2 रख दिया, डिट्टो इसी के ऊपर L2 रख दिया, L1 यही क्या हो गया L2। तो तीन केस बनने वाले हैं कि दो लाइन है, या तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, या फिर पैरेलली चल रहे होंगे, या फिर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, टच इन द सेंस ओवरलैप कर रहे होंगे, टच नहीं बोलूंगा, टच यहां पे भी हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए होता क्या है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बच्चों, जो भी इस लाइन पे, अगर L1 का सॉल्यूशन बोलूंगा, L1 पे जो पॉइंट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब इन शॉर्ट क्या बोलना चाहता हूं मैं कि कोई सा भी सॉल्यूशन होगा तो उसके लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो देखिए इसमें कितने सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं सॉल्यूशन का, जब जो सॉल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखिए बच्चों कितनी जगह है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो पता चला सर सिर्फ एक ही जगह है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वही एक पॉइंट है जो वहां पे अपना एक कॉमन सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो कितने पॉइंट मिले बच्चों, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन मिले मुझे, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। इस केस में देखो ये पैरेलली ऊपर जा रही है, उसके नीचे जा रहा है, कहीं टच हो रहा है, कहीं कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या बच्चों, नहीं हो रहा है। तो कुछ कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं दोनों में, तो क्या बोलेंगे इसको, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तीसरा केस देखो बच्चों, हर जगह ओवरलैप कर रहे हैं, यहां पे बात करो तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके, यहां पे बात करो ओवरलैप, यहां पे ओवरलैप, यहां पे ओवरलैप, मींस इनफाइनाइट टाइम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो लोग, तो इसके सॉल्यूशन क्या जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या जाएगा बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसी चीज को लिखेंगे, पहले ग्राफिकली पता चला क्या, दो लाइन है तो तीन ही केस बन सकता है, या तो एक दूसरे को टच कट कर रहे होंगे, या फिर पैरेलल होंगे, या फिर या फिर क्या हो रहे, ओवरलैप हो रहे होंगे, या फिर ओवरलैप हो रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी को लिख लेते हैं, इसको अगर ग्राफिकली लिखना है तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन वाला केस याद है क्या बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या केस क्या था, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर आपको रिलेट करके रखना है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ग्राफिकली बोलना है तो एक जगह कट किया था यूनिक सॉल्यूशन, एक भी जगह टच कट नहीं हुआ तो जीरो सॉल्यूशन, और बार बार टच हो रहा है तो उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर कंडीशन तो आपको याद ही है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 not is equal to c1 upon c2, और इसके लिए केस क्या था बच्चों, सारे इक्वल, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। इसको आप लिख लीजिए, अभी लिखेंगे इसको, अभी पॉइंट वाइज लिखेंगे, ग्राफिकली पता चला क्या, ग्राफिकली देख के अगर लाइन ड्रॉ करो, अगर कोई पूछ दे कि बताओ ग्राफिकली बताओ कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, दोनों के ग्राफ प्लॉट करोगे, एक बार कट हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, एक भी बार टच ना कट नहीं हुआ मतलब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और बार बार हो रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। इसको आप लिखिए जल्दी से, इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है।
लिखिए पॉइंट लिखिए, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई हैज, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बात चल रही है, दो वेरिएबल है हमारे एक्स और वाई, उसके क्या हो सकते हैं, पहला केस क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन वो कब होगा, इफ द इफ ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है बच्चों, वही चीज हमने बोला था ना, देखा था एक जगह कट हो रहा था तो यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड केस क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, तो ये केस कब बनता है, इफ द ग्राफ इनफाइनाइटली, याद है क्या, जब एक दूसरे पर ओवरलैप हो जा रहे, तो क्या लिखेंगे, इफ द ग्राफ, इफ द ग्राफ लाइंस कोइंसाइड, कोइंसाइड और ओवरलैप बोल सकते हो आप, ओवरलैप हो जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जा रहे हैं या फिर ओवरलैप हो जा रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या बनता है, जब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता हो, नो सॉल्यूशन, वो कब होता है बच्चों, जब एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब पैरेलल मतलब क्या, कहीं कट नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे, तो क्या लिखेंगे, इफ द लाइंस और ग्राफ लाइन ऑफ, इफ द ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, आर पैरेलल, ठीक है, क्या बच्चों याद हुआ क्या, ग्राफिकली पता चला क्या, यूनिक सॉल्यूशन कब, जब एक ही जगह कट कर रहा होगा, इनफाइनिटली कब, जब कोइंसाइड या फिर टच हो रहा होगा, नो सॉल्यूशन कब, जब पैरेलल होंगे, तो इन दोनों केसेस को याद है क्या बच्चों, इन दोनों क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलते थे, याद है क्या क्वेश्चन किया था हमने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये क्या है अपना, कंसिस्टेंट, और दोनों केस के लिए बच्चों सॉल्यूशन मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट का मतलब क्या था, कम से कम एक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपको ग्राफिकली दे दिया, डायग्राम दे दिया, तो उस केस में हम लोग उसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं ट्राई करेंगे, ग्राफिकली दे तो बता सकते हैं देख के, अगर कट हो रहा है तो एक जगह यूनिक सॉल्यूशन, टच हो रहा है तो इनफाइनाइटली, नहीं हो रहा है कुछ भी तो नो सॉल्यूशन, इसको आप जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, लिख लिए क्या, अरे बोलो लिख लिए, चलो क्वेश्चन बैठते हैं, थोड़े क्वेश्चन बैठते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ग्राफिकली फाइंड whether the following, following pair of equation has no solution, comma unique solution or infinitely many solution, और infinitely many solution, ठीक है बच्चों, अभी हमें बताना है ग्राफिकली देख के बताना है, चलो क्वेश्चन तो लिख ले पहले, किसका चेक करना है, 5x minus 8y plus 1 is equal to 0, और दूसरा इक्वेशन क्या बोल दिया, 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5 is equal to 0, ठीक है, अभी इसको बताना है मुझे कि कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा या फिर कोई सभी नहीं होगा, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बोला है, तो इसको इंपॉर्टेंट करो, ग्राफिकली बोला है हमें, तो इसका ग्राफ चेक करेंगे, उसके पहले ये रैशनल फॉर्म जो दिख रहा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने क्या किया, एलसीएम, इसको बोल दिया मैंने पहला इक्वेशन, इसको बोल दिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है क्या बच्चों, तो देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एलसीएम निकाल लूं तो कितना होगा, 5, तो देखिए 5 3 का कितना हुआ 15x माइनस ये कितना है 2 और 24
y plus of 3 is equal to 0 है क्या बच्चों? अभी देखिए मैं 5 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0 into 5 क्या होगा? 0 0 into 5 क्या हो जाएगा? 0 मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 15x minus 24y plus 3 is equal to 0 या फिर इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बच्चों? मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा? 5x minus 8y plus 1 is equal to 0 और 3 को उधर भी भेज दिया तो 0 upon 3 0 ही होने वाला है, मतलब सेकंड इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये अपना सेकंड इक्वेशन है, ये अपना सेकंड इक्वेशन है। जस्ट अ सेकंड, कुछ मिसिंग हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे 1 था, ठीक है। 5x minus 8y plus 1 is equal to 0 तो पता क्या चला बच्चों? सेकंड इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया तो पता चला सेम इक्वेशन बना, जो पहला इक्वेशन था सेम ही बना। क्या मतलब? दोनों एक ही लाइन है और एक ही लाइन है, एक ही लाइन है मतलब उसका कैसे बनेगा बच्चों? एक ही लाइन है मतलब एक दूसरे को ओवरलैप हो रहे होंगे, ये L1 ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे होंगे, एक ही इक्वेशन है ना, एक ही इक्वेशन है। क्या ओवरलैप हो रहे होंगे? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या बोलोगे? सर हर एक जगह टच हो रहा है मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। या फिर अगर आप इसको एक्चुअली ड्रॉ करना सोच रहे हैं तो देखिए कैसे ड्रॉ करना है, इसको एक्चुअली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो नाइन्थ में हमने देख रखा है। बट फिर बात कोई बात नहीं, यहां पे भी हम देखेंगे क्या था कि 5x minus 8y plus 1 is equal to 0। तो देखिए बच्चों minus 8y is equal to क्या होगा? minus 1 minus 5x है क्या? या फिर माइनस कॉमन कर लो तो क्या होगा? 8y is equal to 1 plus 5x, तो y is equal to कितना हो जाएगा? 1 plus 5x upon 8। आपको ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना था, मतलब y is equal to something निकाल लो, फिर x is equal to something निकाल लो, फिर क्या करना था? बॉक्स याद है क्या? बॉक्स याद है क्या? क्या करते थे? इधर x और इधर y equal to कितना लिखेंगे हम? कितना है? 5x plus 1 upon 8। क्या करते थे? x का वैल्यू कुछ रखते थे, x का वैल्यू कुछ रख करके देख लेते थे। x का वैल्यू क्या रख लो बच्चों, बोलो आप जल्दी से। x का वैल्यू अगर मैं माइनस वन रख रहा हूं तो देखिए 5 into minus 1 क्या हो जाएगा? माइनस 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन 8 क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई 2, ठीक है। वैसे अगर मैं 0 रख दू x की जगह पे, x की जगह पे 0 रखा तो y कितना मिल जाएगा? 1 बाई 8। और हमें पता है कि लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट निकाल लिया हमने, मार्किंग करना पता है क्या, उसके बाद से इसको ड्रॉ करेंगे, पता चलेगा कि दोनों सेम ही लाइन है तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। या फिर आप इक्वेशन से देख सकते हैं, इक्वेशन से देख के बोल सकते हैं हाँ सर थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने, सेम इक्वेशन मिल गया, मतलब एक ही लाइन है ना, तो एक दूसरे को क्या, एक ही लाइन का इक्वेशन दो बार लिख लो तो एक ही दूसरे पे चढ़ी रहेगी, मतलब कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या आंसर जाएगा बच्चों? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप लिखिए जल्दी से, इसको आप लिखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ग्राफ कब करेंगे बच्चों क्वेश्चन, पहले हम कंडीशंस देखते हैं कि ग्राफिकली देख के बता पा रहे हैं क्या हम कि कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो देखिए लिखिए क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out, हमें क्या करना है? Find out whether the lines, find out whether the lines representing, lines representing the following pairs, the following pairs of linear equation, following pairs of linear equation intersects at a point or parallel or coincide। तो देखिए क्या बोल रखा है कि हमें a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 का रेशियो वेरीफाई करना है, उसको चेक करके क्या बोलना है कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर पैरेलल कर रहे हैं या फिर कोइंसाइड कर रहे हैं। सेम ही चीज बोल रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है इक्वेशन का, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0। सेकंड इक्वेशन क्या है इसी का, 7x plus 6y
माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट लिखिए जल्दी से, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0 and the third part is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0। ठीक है बच्चों, जल्दी से देखिए a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 देखना है। तो देखिए a1 upon a2, a1 upon a2 कितना है 5 upon 7। कंडीशन याद हो गया क्या बच्चों, a1 upon a2 मिल गया क्या? चलो लिख लेता हूं, a1 upon a2 मिल गया क्या? वैसे ही b1 upon b2 मिल जाएगा क्या? कितना है b1 कितना है? minus 4 upon b2 कितना है बच्चों? 6। तो ये कितना हो गया, थोड़ा simplify कर लो, 2 upon 3 कितना हो गया, ये minus 2 upon 3। वैसे ही देखो c1 upon c2 कितना हो जाएगा, 8 upon minus 9। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखो कि 5 by 7 minus 2 by 3 के बराबर होता है क्या? 5 by 7 minus 2 by 3 के बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2। ये कंडीशन याद है क्या बच्चों, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब होता था, जब लाइन इंटरसेक्ट होते थे। तो पहले का पार्ट, पहले का आंसर क्या जाएगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ठीक है क्या बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहे। वैसे दूसरे पार्ट का देखिए, a1 upon a2 निकाल लीजिए पहले, a1 upon a2 कितना हो गया, 9 upon 18 मतलब कितना हो गया, 1 upon 2। वैसे ही देखिए b1 upon b2 कितना होगा बच्चों, 3 upon 6 मतलब ये कितना हो गया, 1 upon 2। c1 upon c2 निकाल ले क्या, c1 upon c2 कितना है, 12 upon 24, ये भी कितना हो गया, 1/2। तो पता चला क्या बच्चों, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। कौन सा केस था, जब लाइंस, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कब होता था, जब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करते थे या फिर ओवरलैप करते थे। तो क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या जाएगा, a1 upon a2 क्या लिखेंगे आप, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। दैट मींस क्या है, इसका मतलब क्या पता चला, लाइंस आर कोइंसाइडिंग। क्या पता चला, कोइंसाइड, कोइंसाइड। ठीक है क्या बच्चों, ये दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। थर्ड वन जल्दी से देखिए, a1 upon a2 कितना होगा, 6 upon 2 यानी कि 3 upon 1। वैसे ही b1 upon b2 देखिए कितना है, -3 upon -1, ये भी कितना हुआ, 3 upon 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। c1 upon c2 देखते हैं, चलिए कितना है, 10 upon 9। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं। तो देखिए क्या पता चला कि सर a1 upon a2 और b1 upon b2 तो बराबर है, तो बराबर है, 3 और 3 दोनों का वैल्यू है, लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1 upon c2। ये कौन सा केस था बच्चों, जब नो सॉल्यूशन मिलते थे। नो सॉल्यूशन कब मिलता था, जब क्या होते थे, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते थे। यानी क्या, दोनों जब पैरेलल होंगे तो टच ही नहीं करेंगे, ना टच किया ना कट किया, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता था, पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है क्या बच्चों, समझ में आया, इसको जल्दी से लिखिए आप, लिख लिए क्या, अरे हाँ ना बोलो, लिख लिए क्या, चलो अच्छी बात है, लिख लिए। तो ये चीजें रिलेट करो बच्चों, इस कंडीशन को, जो कंडीशन हमने अल्जेब्रिकली देखा उसको मिक्स कर देते हैं, ग्राफिकली पूछते हैं। ग्राफिकल वर्ड ही है ना ये, इंटरसेक्ट, पैरेलल, कोइंसाइड, तो ये रिलेट कर लो एक बार में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत चीजें नहीं है बच्चों, अगले पार्ट के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है अपने को, ऑन कंपेयरिंग दिस दिस इज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लाइंस इक्वेशंस आर, अब की बात में क्या बोल दिया बच्चों, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आपको इरेज नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे बोल दिया मैं कि बताओ आपके बारे में, उतना कुछ नहीं पूछ के, डायरेक्टली पूछ दिया कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए पहले क्वेश्चन तो लिख ले बच्चों, पहले क्वेश्चन तो लिख ले। तो देखिए पहला पार्ट है अपना 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7। ठीक है, सेकंड केस क्या है, 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus 6y is equal to 9। ठीक है, थर्ड केस क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7 and
9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या बताना है, अभी रेशियो कंपेयर करना है, बताना है कि सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए भी सेम चीज स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट का देखिए, a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना होगा बच्चों, a1 3 अपॉन 2। वैसे ही b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना होगा बच्चों, 2 अपॉन माइनस 3। वैसे ही c1 अपॉन c2 निकाल लीजिए कितना है। एक काम कर सकते बच्चों, इसको एक काम करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आया। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, 0 राइट साइड, बाकी सारी चीजें लेफ्ट साइड, 0 राइट साइड में चाहिए। तो ये प्लस 5 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो -5 = 0। वैसे ये प्लस 7 को इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा, ये -7 = 0। अभी देखिए c1 का वैल्यू कितना है -5, c2 का वैल्यू कितना है -7। तो यहीं से देखिए ना बच्चों, 3/2 और -2/3 इक्वल होते हैं क्या, नहीं ना। तो आप क्या बोलेंगे, a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2। तो आगे का तो चेक ही नहीं करना है। ये किस किसका था बच्चों, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। क्या मिलता था, अपना यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन हमें तो यूनिक पूछा ही नहीं है बच्चों, हमें क्या पूछा है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो याद करो, कंसिस्टेंट किसको बोलते थे, जब एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, मिनिमम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तो उसको कंसिस्टेंट बोलते थे। तो ये क्या होगा अपना, कंसिस्टेंट। ये क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट। वैसे सेकेंड पार्ट देखो, a1 अपॉन a2 निकाले क्या, a1 उसके पहले अगेन क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, लेफ्ट साइड में सब कुछ, राइट साइड में 0, राइट साइड में 0 चाहिए, प्लस 8 को इधर लाया तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y, ये प्लस 8 इधर आया तो -8 = 0। ये क्या होगा, 4x - 6y - 9 = 0। अब उस फॉर्म में आ गया है। अब चेक करिए आप, a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2 अपॉन 4 कितना हो गया बच्चों, 1/2। वैसे देखिए b1 अपॉन b2 कितना होगा, b1 कितना है, -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया, 1/2। वैसे c1 अपॉन c2 देखिए कितना है, -8 अपॉन -9, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, कितना हुआ, 8 अपॉन 9। तो यहां देखिए बच्चों, a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 कुछ और है। तो कौन सा केस लग रहा है, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, चलिए देते हैं फिलहाल, इधर लिख लेते हैं जगह कमी। यहां पे इसके बाद लिख रहा हूं बच्चों मैं, क्या बोलोगे आप कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो है, but c1 upon c2 के बराबर नहीं है। तो याद करो बच्चों, ये कौन सा केस था, कौन सा केस था, ये अपना केस था किसका, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को ही क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। कोई जस्टिफाई करने को बोले तो क्या बोलोगे आप, इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन और इट हैव नो सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। उसके पहले आप लोग फर्स्ट और सेकंड लिख लीजिए। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे देखिए अगेन क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं आप, कि इसका एलसीएम निकाल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आइए, इसका एलसीएम लेके ये नीचे से डिनोमिनेटर से हटा दीजिए, या फिर क्या करेंगे आप सबको इधर से पहले लेके आएंगे, क्या लिखेंगे, 3/2x + 5/3y, ये प्लस 7 इधर आए तो -7 = 0। वैसे इसको देखिए कितना है, 9x - 10y - 14 = 0। तो बच्चों दो काम कर सकते हैं हम, या तो एलसीएम निकाल लें और इसको सिंपल इस फॉर्म में लेके आ जाए, सिंपल इस फॉर्म में लेके, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको मैंने बोला 1 और इसको बोला 2। तो देखिए कंडीशन a1 अपॉन a2 ही चाहिए ना, सो a1 अपॉन a2, देखिए a1 किसका कोफिशिएंट था, x का, a1 कितना है बच्चों, x के साथ में क्या है, 3/2 अपॉन a2 कितना है बच्चों, 9, तो इसको 9/1 लिख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे कर सकते, क्या याद है क्या क्या करते थे, ये नीचे वाला ऊपर गया तो क्या हुआ, 3 × 1 और 2 × 9 कितना हो गया, 3 × 3 = 9, ये कितना हुआ बच्चों, 3 × 3 = 9, मतलब कितना हो गया, ये 1/6। वैसे ही देखिए b1 upon b2, b1 कितना है बच्चों, y का कोफिशिएंट कितना है, +5/3, तो लिख लीजिए 5/3 डिवाइडेड बाय b2 कितना है बच्चों, -10, लिखिए -10/1, ये मैं 1 इसके लिए लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब उस फॉर्म में आ गया क्या, a upon b upon c upon d, तो
तो याद है अभी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू माइनस 10। ठीक है, देखिए 5 टू जा 10, ये भी कितना हो गया माइनस 1/6। वैसे ही अगर C1/C2 निकाल लें तो C1 कितना है बच्चों माइनस 7, C2 कितना है माइनस 14, ये कितना आ गया 1/2। तो देखिए यहां पे एक चीज देखिए बच्चों कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू है क्या, ये 1/6 माइनस 1/6 इक्वल तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये कौन सा केस था, यूनिक सॉल्यूशन का। कौन सा केस था बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। बच्चों क्या बोलोगे आप, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए, एक और पार्ट देखते हैं इसका। तो बच्चों इसमें डाउट नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ये फुकट के क्वेश्चंस होते हैं, फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें आपको। जब बोले कोई आपको कि देख के बताओ, ग्राफिकली बताओ या फिर ऐसे बताओ कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। 4π3x + 2y = 8 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। तो बच्चों एक काम करता हूं, आप बोलोगे एलसीएम लेके कैसे करना है, दोनों पार्ट से दिखाता हूं, दोनों टाइप से दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है, लेफ्ट साइड में सारी चीजें चाहिए, राइट साइड में जीरो चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया, इसको 1 था ये 2 था, इसको सिंप्लीफाई किया, क्या हुआ ये 4x + 2y, ये +8 को इधर लाया तो -8 = 0, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। वैसे ही क्या बोला 2x + 3y - 12 = 0, क्या बोल दिया मैंने दूसरा इक्वेशन। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया बच्चों, उसी को कुछ नहीं किया है, बस सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अभी कंपेयर करिए A1 upon A2, तो देखिए A1 कितना है बच्चों, x का कोएफिशिएंट कितना है 4/3, A2 कितना है बच्चों 2 upon में मैंने 1 डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर जाता है, so 4 × 1 upon 2 × 3, 2 × 2 = 4, तो कितना हो गया ये 2/3। वैसे ही B1/B2 निकाल के देख लें क्या, B1/B2, B1 क्या होता है y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 2 अपॉन y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये कितना मिल गया 2/3। वैसे ही देखिए c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, c1 कितना है बच्चों -8 और c2 कितना है -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो ये कितना हो गया 2/3। क्या पता चला बच्चों, a1 upon a2 b2/3 है, b1 upon b2 b2/3 है, c1 upon c2 b2/3 है, मतलब सारे इक्वल है ना। तो क्या लिखोगे आप, a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। कौन सा केस है बच्चों, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर क्या बोलोगे कोइंसाइडिंग या फिर ओवरलैपिंग, क्या बोलोगे इनफाइनाइटली मेनी। इसी को क्या बोलो, कंसिस्टेंट भी इनकंसिस्टेंट बच्चों, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया तो जल्दी से लिखो, इसको लिख लिए, अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो भाई, लिख लिए क्या। चलो अब बात करते हैं, ये तो पता चल गया, ये तो क्लियर हो गया सर कि अभी देख के बताना हुआ तो कैसे बताए, ठीक है। अभी ग्राफिकली हमने सर अभी तक तो ड्रॉ किया नहीं, बट अगर डायग्राम दिया होगा तो बता सकते हैं देख करके किसके कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ग्राफिकली निकालते हैं, सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो इक्वेशन दे रखे हैं बच्चों, x + 2y = 3 and 4x + 3y = 2, ठीक है क्या। आप लोग लिखिए, तब तक मैं इसको थोड़ा सा रिफिल कर लेता हूं, ठीक है क्या बच्चों, लिख लिए क्या बच्चों। तो देखो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए करना क्या है, इनका सेपरेट सेपरेट ग्राफ बनाओ, एक ही सिंगल से पेपर शीट, अपना ग्राफ शीट जो है उसी पे ड्रॉ करना है इनको, ठीक है। तो देखिए
पहला क्या किया मैंने, पहले इसको बोल दिया, इक्वेशन को बोल दिया नाम वन, इसको बोल दिया टू, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोला मैंने, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री था ना, तो मुझे y इज इक्वल टू चाहिए, तो मैं क्या किया x को उधर भेजा, तो क्या होगा टू वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस x, या फिर y इज इक्वल टू क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू क्या होगा थ्री माइनस x अपॉन टू, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या बच्चों? उसके बाद आपको पता है क्या करना है, जो आपका बहुत ही पसंदीदा पार्ट है, क्या करते थे, इधर x रखते थे इधर y, y कितना है बच्चों थ्री माइनस x अपॉन टू, ठीक है। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद क्या करना था, x का वैल्यू रखो y मिलेगा, x का वैल्यू रखो y मिलेगा, मिनिमम दो पॉइंट चाहिए हमें, मिनिमम दो पॉइंट चाहिए। देखिए x का वैल्यू अगर 1 रख रहा हूं, x का वैल्यू 1 रख रहा हूं, सो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1, समझ में आया क्या, x की जगह पे क्या रखा 1 रखा, 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, ठीक है क्या। x की जगह पे कुछ और रख के देखते हैं, x की जगह पे अगर मैं 3 रख दूं, सो 3 माइनस 3 0, 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्या मिलेगा बच्चों 0 मिला क्या। एक काम करिए और सोचिए, अगर x की जगह मैं माइनस 1 रखूं, तो देखिए 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 2, तो देखिए माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब किसके बराबर होगा ये 3 प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2, मतलब क्या 2, तो y का वैल्यू कितना मिल गया। तो वैसे ही आपको मिनिमम दो पॉइंट निकालने, तीन भी निकाल सकते हो आप, मिनिमम दो पॉइंट निकालने, और उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद इस पॉइंट्स को ग्राफ लाइन अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है क्या बच्चों। कैसे ड्रॉ करते थे याद है क्या, पहले कुछ काम करते हैं, आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे, उसमें स्केल्स ऑलरेडी दे रखे होते हैं, मैं रफली कर रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी अपना 1 2 3 4 5, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये बच्चों अपना ओरिजिन, ठीक है। तो देखिए पॉइंट कैसे मार्क करना है, वो नाइन्थ में आपको बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है तो देखिए क्या करना है, एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई भी कितना 1 है, एक्स का वैल्यू जब 1 है, एक्स का वैल्यू 1 है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाला, इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाला, जहां पे इंटरसेक्ट हुआ मतलब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1, ठीक है। वैसे ही देखिए एक्स का वैल्यू जब 3 है वाई 0 है, वाई 0 कहां होता है बच्चों, वाई 0 एक्स एक्सिस पे होता है, ये चीज याद रखना, एट एक्स एक्सिस वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो हमें वाई 0 है ना, तो एक्स एक्सिस पे कितना मिल गया 3, 0, ये पॉइंट मिल गया। आगे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को लीजिए, ज्वाइन करिए, अपना ग्राफ बन गया, ये बन गया किसका, इक्वेशन 1 का। और बच्चों जब भी ग्राफ बनाएंगे ना, तो उसके ऊपर उसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ग्राफ के ऊपर इक्वेशन चाहिए, ये चीजें आपको याद से लिखनी है, ठीक है। और क्या करना था, ये तो रहा पहला पार्ट, हमने आधा काम कर लिया कि सर हमने पहला ग्राफ प्लॉट कर लिया है, ठीक है, अभी दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए दूसरा पार्ट के लिए काम करते हैं, ये पार्ट आप लिख लीजिए, ये चीज आपको करना है, ठीक है, ये चीज आपको करना है, अभी दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा क्या था अपना, दूसरा इक्वेशन क्या था, उसको y इज इक्वल टू समथिंग फॉर्म में लेके आते हैं, क्या था बच्चों 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, यानी कि 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, यानी कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x अपॉन 3, करना क्या है फिर से एक टेबल बनाना है, तो बनाइए एक x और दूसरा वाला y, किसके बराबर आया था वो 2 माइनस 4x अपॉन 3, ठीक है क्या बच्चों। अभी करना क्या है, वैल्यूज रखने हैं थोड़े बहुत, और बच्चों ट्राई देखिए आप वैल्यूज कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 ही क्यों रखा, आपने 2 रख सकते थे, 5 क्यों नहीं रखा, तो बच्चों वैल्यूज कुछ भी रख सकते हैं, होगा क्या ना कि आपका पॉइंट फ्रैक्शन में आएगा तो आपको ग्राफ में प्रिसीजन उतना नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा रख रहे हैं जिसके लिए इंटीजर मिले, 1.5 चलेगा बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.25 2221 वो सब नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग स्टैंड अच्छे वाले पॉइंट्स रख रहे हैं, अच्छे वाले पॉइंट्स रख रहे हैं जिसके लिए वैल्यू अपना अच्छा हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या वैल्यू रख ले बच्चों, x की जगह पे अगर मैं -1 रख दूं, x की जगह पे -1 रख दूं, देखो कितना होगा ये 2 माइनस 4 इंटू -1 अपॉन 3, कितना होगा बच्चों 2 माइनस इंटू -+ अपॉन 3, मतलब कितना हुआ 6 अपॉन 2, कितना हो गया 3,
6 अपॉन 3 था ना ये तो कितना हो जाएगा 2। यहां पे माइनस 1 रखने पे कितना मिल गया 2। नेक्स्ट पॉइंट चेक करें क्या बच्चों, अगर मैं x का वैल्यू 2 रख रहा हूं तो देखो 4 2 8, x की जगह पे अगर मैं 2 रख रहा हूं तो कितना होगा बच्चों, x की जगह पे तो 2 minus 4 times of 2 upon 3 कितना हुआ 4 2 जा 8, 2 minus 8 क्या हो जाएगा minus 6 upon 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों minus 2। ठीक है, और कोई सा पॉइंट निकालना सोच रहे हैं आप तो उस पे भी निकाल सकते हैं, और कोई सा पॉइंट रखना है तो रख लो, 3 रख के देखते हैं सर। ओके 3 रख के देखते हैं क्या, 3 में बहुत गंदा वैल्यू आ रहा है, 2 पॉइंट हमारे लिए काफी है तो प्लॉट करें क्या है, दो पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं देखिए, माइनस 1 पे x का वैल्यू कितना, माइनस 1 पे रखने पे कितना मिल रहा है 2, माइनस 1 पे कितना मिल रहा है बच्चों माइनस 1 पे कितना मिल रहा है 2, मतलब एक पॉइंट तो कॉमन मिल गया, माइनस 1 पे 2 मिल रहा है, और x का वैल्यू 2 रखना है, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, जब x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y कितना मिल रहा है बच्चों माइनस 2, y कितना मिल रहा है माइनस 2, सो माइनस 2 कहीं यहां पे हो रहा होगा, ठीक है क्या, नेगेटिव y एक्सिस मतलब x का वैल्यू 2 रखने पे y माइनस 2 तो यहां पे नहीं होगा, ये पॉइंट यहां पे होने वाला है, दो पॉइंट मिल गए, दोनों को क्या करना है आपको, दोनों को क्या करना है बच्चों सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन कर देना है, सो दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है क्या, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अभी ग्राफिकली देख के बताइए आप कि अगर बताना होगा कितनी जगह लाइंस जो ग्राफ है हमारा कितनी जगह टच या फिर कट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह, सिर्फ और सिर्फ एक जगह हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन। तो एक चीज तो क्लियर हो गया सर, ठीक है वो तो पता चला कि यूनिक सॉल्यूशन है, अब ये कैसे पता चले कॉमन क्या है, देखिए कॉमन जहां पे इंटरसेक्ट होगा ना वही अपना आंसर होगा, कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है बच्चों इस पॉइंट पे, x का वैल्यू कितना है यहां पे माइनस 1, y का वैल्यू कितना है 2, तो क्या लिखेंगे x is equal to minus 1 and y is equal to 2 is the solution। पता चला क्या बच्चों, करना क्या है ग्राफ आपको प्लॉट करना है, जहां भी कट हो रहा है, जहां भी कट हो रहा है वही क्या होगा हमारा x और y का वैल्यू, वही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों आशा करते हैं समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको कंडीशंस पता चला कि कब वन सॉल्यूशन होगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कब नो सॉल्यूशन, ठीक है क्या बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ये आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है चलिए थैंक यू।